आज आपको जादू डाइट के बारे में और कुछ बताने वाला हूँ। जादू डाइट एक ऐसा डाइट है जो हर कोई मोटा आदमी फॉलो कर सकता है वेट लॉस करने के लिए, और ये बिना पैसा खर्चा करे सिर्फ खाने पीने को बदल के और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करके एक आदमी अपना वेट लॉस करता है, और इतनी इजी है। पर लोग सोचते हैं ये डिफिकल्ट है, पर मैंने बोला चलो मैं ही करके देखता हूँ, और मैंने जब किया तो मुझे पता चला डिफिकल्ट तो है, पर वो चीजें हमें समझ आई जिससे वो डिफिकल्ट को दूर किया जा सकता है। पहला काम, अगर आप जादू डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो ये करिए, पास्ट को भूल जाइए। पास्ट में क्या खाते थे, इतने साल की क्या आदत है, मैं कैसे करूंगा, ये सब सोचना भूल जाइए। मैंने देखा है लोगों को, सर मैं 20 साल से पराठे खा रहा हूँ सुबह सुबह, ऐसे कैसे छोड़ दूं, कैसे सलाद पे शिफ्ट हो जाऊं। ये दिमाग से एक बार निकाल दीजिए कंप्लीट सरेंडर के लिए कि भाई नहीं, मुझे जिंदगी भर के लिए नहीं, एक दो महीने के लिए फॉलो करना। ये सोच के चालू कीजिए कि 2 महीना कर लेते हैं, एक बार वजन लूज कर लेते हैं, बड़ा एफर्ट किया इस बार करके देखते हैं। तो आप अपने आप को एक बार दिमाग को पूरा बदल के काम करिए। शुरुआत करेंगे जब हम लोग बोलते हैं कि भाई आप एक काम कर लो, सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ सलाद खाना है। एक खीरा को काट लीजिए, गाजर को काट लीजिए, एक टमाटर काट लीजिए, थोड़ा बहुत फ्रूट ले लीजिए, जूस ले लीजिए, पेट भर के खाइए, और वो शुरुआत हो गया। कोई अनाज की जगह ही नहीं है, ऐसा बंदोबस्त कर दें। हाँ, 1-2 घंटे बाद कभी कभी भूख लगेगी आपको, क्योंकि ये खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। एक बार और खाइए, एक जूस ग्लास और बनवा के रखवा दीजिए कि जब मेरे को भूख लगे तो एक बार। अच्छा, भूख भी क्या होता मालूम है, आता है 2-4-5 मिनट रह के वापस चला जाता है, तो अगर वो टाइम आप निकाल दिए तो निकल गया, 1 ग्लास पानी पी लीजिए उस वक्त। और फिर लंच में, ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच तक अगर आप बिजी रहेंगे ज्यादा भूख नहीं लगेगा, बिजी नहीं रहेंगे तो भूख ज्यादा लगता है। तो बिजी रखिए अपने आप को, कामकाज करते रहिए। लंच में मैंने बोला है कचूमर बनाना होगा, बहुत सारा अमाउंट लेके बैठिए और उसके संग दाल लीजिए। अच्छा, अब दाल क्यों, दाल से एक तो प्रोटीन मिलेगा और दाल से टेस्ट भी आएगा। देखिए सलाद कब तक आदमी खा लेगा, कचूमर कब तक खा लेगा, उसमें टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ कि टेस्ट आपका नहीं बन पा रहा है तो थोड़ा सा अलग से चटनी पोड़ी पाउडर रख लीजिए, उसको मिला लीजिए, या चाट मसाला, सांभर मसाला, इस तरह के मसाले कुछ अलग से रख लीजिए, उसको डाल सकते हैं। नहीं हो तो रोस्टेड पापड़ भी रख सकते हैं, रोस्टेड पापड़ का एक छोटा छोटा टुकड़ा खाते रहिए, उसमें टेस्ट आ जाता है। तो आप सलाद और सूप को, सलाद और दाल को मिला के खाइए, गरम गरम दाल लीजिएगा तो उससे टेस्ट अच्छा रहेगा, और उसमें सलाद डालिए और खाइए, और संग संग थोड़ा पापड़ का टुकड़ा या कोई क्रिस्पी आप रोस्टेड आलू का चिप्स भी बना सकते हैं। आलू की चिप्स को पहले काट काट के भिगो भिगो के उसका स्टार्च निकालिए, फिर उसको ओवन में उसको सेक लीजिए, वो क्रिस्प रहेगा, उसमें मिर्ची उर्ची अच्छे से डाल के उसको भी आप टेस्ट एनहांसर के यूज से यूज कर सकते हैं। कुछ चटनियाँ, कुछ मीठी चटनियाँ या नमकीन चटनियाँ, कुछ स्पाइसी चटनियाँ भी यूज कर सकते हैं, टोमेटो केचप वगैरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये सब आपको मदद करेगा। तीसरा चीज याद रखिएगा, वेराइटीज बनाते रहिए। एक ही तरह का फ्रूट, एक ही तरह का खाना, एक ही तरह का सूप, ये नहीं चलेगा। रात का जो सूप है उसको भी दिन दिन बदलिए, और उसमें से आप 4-5 बार 6 बार बदलेंगे तो आपको मालूम है कि ये 2-3 मुझे ज्यादा पसंद आता है, उनको फिर रोटेट ज्यादा कीजिए। तो ये आपको करना पड़ेगा, वैरायटीज बनाते रहना होगा, इससे बड़ा फायदा होगा, आप फॉलो कर पाएंगे। 2-3 चीज और होने वाली है, मैं आपको बता दूं, अंगूठियां ढीली हो जाएगी। ये देखिए मेरी अंगूठी है, अब ऐसे निकलने लग गया, पहले हमको निकालने के लिए कितना इस उंगली में पहनता था, इसमें तो ऐसे ऐसे गिरने लग गई है। तो अंगूठियां ढीली होगी, बेल्ट 2-3 बार घसकेगा, ये भी बहुत कॉमन होने वाला है। आपके पुराने सूट, पुराने पैंट, पुराने शर्ट सब आने लग जाएंगे। अच्छा, लोग कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं तब बड़ा फायदा होता है, तब मजा आ जाता है कि हाँ तो फॉलो और करूंगा, और अच्छे से करूंगा, और जल्दी करूंगा। एक और काम करिएगा, जादू डाइट जब फॉलो करिएगा ना, तो एक वेइंग मशीन अपने पास जरूर रख लीजिएगा कि हर दिन वेट करिए अपने आप को। वो इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन होगी जिसमें 100-200 ग्राम भी चेक कर सकते हैं। और इसमें एक चीज होने वाली, मैं आपको बता दूं, आपको मालूम हम लोग पानी जिस दिन ज्यादा पी लेते हैं उस दिन हो सकता है 200-300 ग्राम वजन बढ़ जाए, कभी हम लोग का डिहाइड्रेशन रहेगा 200-300 ज्यादा गिर जाएगी। यूजुअली जादू डाइट के वक्त हमने देखा 200-300 ग्राम पर डे लूज होता रहता है, तो हफ्ते में 1.5-2 किलो करके लूज होगा, पूरा महीने में 6-7 किलो लूज होगी, अगर चलेंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा होगा। पर कभी कभी ये दिखेगा 200 ग्राम 300 ग्राम बढ़ गई है जबकि आपने पूरा फॉलो किया है,
इससे डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है। ये फ्लक्चुएशंस डे टू डे में होगा, आप इतनी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि हर दिन ही लूज होता जाए, पर कभी कभी बढ़ेगा और उसका कारण जरूर होगा। आप अगर पिछले दिन की कैलोरीज गिनेंगे या पिछले दिन की पानी पीने का गिनेंगे तो हो सकता है, पर पानी पीने के रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूँ पानी खूब पियो, कोई बात नहीं, अगर पानी का वेट है तो नेक्स्ट दिन फिर निकल जाएगी। तो ये वाली भी बात होने वाली है। तो आप जब जादू डाइट फॉलो करेंगे ये सब डिफिकल्टी आने वाली है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको फॉलो करिए और देखिए कितनी अच्छे रिजल्ट आती है। मैं चाहता हूँ ये जादू डाइट की बात आप लोगों तक पहुँचाइए, हर आदमी को बताइए कि देखो तुम वजन ज़्यादा है, तुमको 5 मिनट में मैं समझा देता हूँ क्या खाना है, और उनको बोलना है कि देखो तुम 3 टाइम का खाने में सलाद सब्जी फ्रूट्स खाना और कुछ नहीं खाना। कभी कभी आदमी बोलता है सर कोई हाफ जादू डाइट नहीं होता, थोड़ा बहुत कर लूं। मैं बोला हाफ जादू डाइट होता है, पर फुल करके देखोगे तो मजा आ जाएगा। अगर फिर भी आप फुल करके काफी वेट लूज कर लिया, हाफ में भी आ सकते हो। हाफ में क्या है कि चपाती एक आध चालू कर दिया आपने, एक आध शाम को थोड़ा सा राइस ले लिया, पर ये आपका वेट को स्टेडी कर देगा, फिर वजन गिरेगा नहीं। पर और हो सकता है एक आध किलो महीने का गिरने लगे, तो वो भी आप हाफ, जब आपका पूरा टारगेट पूरा हो जाए तो हाफ जादू डाइट में आ जाइए। तो ये सारे चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आई हैव गॉन थ्रू दिस डाइट एंड आई हैव लव्ड इट, और ये बहुत मजेदार डाइट है। उसके संग थोड़ा योगा वॉक एप्स वाले एक्सरसाइज करेंगे तो पेट भी अंदर घुस जाएगी और वो आपको बड़ा अच्छा फीलिंग देगा। तो आप जरूर जादू डाइट फॉलो कीजिए, हमारी डाइट को आप जगह जगह तक पहुंचाइए। और इस डाइट करने के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, इसमें कोई जगह की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के आराम से वेट लूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और हमारे संग जमे रहिए, हमारे संग बंधे रहिए, और लोगों को हमारे बारे में बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।